जस्मिन हे बिस्कस रुको रुको और एक का कई पर आराम से तो ये दोनों लड़की इसका भाई है यार देखो दिखा दिखा कौन कौन है ये दोनों लड़की इसका भाई है चल तो नॉटिंग की बात दीदी का बड़ू आप आप फ्रेंड्स आप, आप भी सुनिए आप सिर्फ चुप बैठिएगा पापा को मत ना वो क्या बोलते हैं कमल छुपा लिया है बंद कर गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे मजे में होंगे तो ये हमारे छोटे उस्ताद गए थे मेरे लिए ऊपर से फूल लाने के लिए पूजा के तो यहाँ पे उनकी शैतानी चल रही थी खैर मैंने पूजा वगैरह कर ली है और अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं आपके साथ बहुत ही मस्त वाली दो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप मार्केट से लेकर आते होंगे गर्मी में और वो है रू अफज़ा जो गुलाब शरबत जो कि हम मार्केट से लेते हैं तो आज वो मैं घर में बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने ढेर सारे गुलाब ले लिए हैं तो गुलाब मैंने सुबह ही मंगवाया था बहुत सारा तो मैं इसके सारे पेटल्स तोड़ लेती हूँ निकाल लेती हूँ और ना एकदम बिल्कुल ही मतलब सस्ते में आप बना कर के रू अफज़ा रख सकते हैं और मार्केट में भी ऐसे ही बनता है यहाँ पे तो हम गुलाब की पंखुड़ियों को यूज़ भी कर रहे हैं और नॉर्मली तो ऐसे फैक्ट्री में जब बनती है ना तो वो तो कलर यूज़ करते हैं और उसके साथ में एसेंस वग़ैरह डालते हैं तो मैं भी आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी लेकिन दम नेचुरल तरीके से और बहुत ही अच्छी और दम सस्ती बनने वाली बन है अरे वाह तुम क्या कर रहे हो

क्या कर रहे तो फिर मैंने दोपहर का लंच वगैरह सब निपटा दिया था और बच्चे चले गए थे रेस्ट लेने के लिए और मैंने सोचा कि चलो अब मैं चुपचाप ये रेसिपी बनाती हूँ लेकिन पता चला कि नहीं दोनों बच्चे इनको पता नहीं कैसे पता चल गया था तो दोनों आ गए किचन में और वैसे भी मैं कोई स्पेशल रेसिपी बनाऊ वो मेरे बच्चे ना आए हो नहीं सकता और ऊपर से रू अफजा उसे बनाना है और बच्चे नहीं आए अरूल को तो बहुत पसंद है तो पिछली मंथ में मैं जब मार्केट गई थी ना तो वहाँ से इसने रूह अफजा की बॉटल ले ली थी तो मैंने तभी सोचा था कि मैं घर में बना करके दूंगी इसे तो उसने रूह अफजा की बॉटल कर दी है खाली तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ उसमें भर दूंगी पता नहीं चलेगा इसको लेकिन ये तो उठ करके आ गया है खैर कोई बात नहीं है मुझे पता है जब मैं बना करके इसे दूँगी इसे बहुत पसंद आएगा क्योंकि पहले भी मैंने कई बार बनाया है और बहुत ही अच्छी बनती है तो यहाँ पर ना गुलाब की पत्तियाँ मैंने तोड़ ली हैं अब इन सब को क्या करना है अच्छे से वॉश करना है तो मैं अच्छे से इस सब को धो लेती हूँ दो से तीन बार आप अच्छे से दो बार धो लीजिए कम से कम लेकिन फटाफट पानी में डालिए और निकालिए नहीं तो इसके कलर बहुत तेज़ी में निकलने भी लगते हैं कभी कभी किसी और एक चीज़ मैं और बता दूँ जब भी ये बनाइए ना कोई भी गुलाब से कोई भी आप रेसिपी बना रहे हो तो ना तो गुलाब ना देसी होनी चाहिए मतलब वो हाईब्रिड वाली मत लीजिएगा तो यहाँ इसमें चूँकि बहुत ही अच्छी वाली सुगंध जो होती है ना वो होती है जो गुलाब जल वगैरह में होती है जो हम लोग रेसिपी में यूज़ करते हैं या फिर अपने फेस पैक वगैरह में यूज़ करते हैं तो उसकी स्मेल बहुत ही प्यारी होती है तो ये उससे इसी से गुलाब से ही बनाई जाती है इसलिए वो वही स्मेल आपको आपके देसी गुलाब में मिलेंगे तो खैर उसको मैंने अच्छे से धो लिया है अच्छे से उसके पानी निकाल लिए हैं अब मैंने कढ़ाई में पानी डाला है और ये कम से कम डेढ़ गिलास पानी होंगे एक एक गिलास वन एंड हाफ गिलास और उन उसमें हमें इसे डाल देना है गुलाब को और गुलाब को डालते ही ना क्या होता है ना कि इसके कलर निकलने शुरू हो जाते हैं तो मतलब एकदम से पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर यहीं पर ना मतलब नींबू के रस या नींबू के छत जो सैट्रिक एसिड कहलाती है वो ऐड कर देते हैं बट मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरी जो गुलाब है ना वो खुद ही अपने सारे कलर छोड़ रही है तो यहाँ पर आपने देखा ना तो इसलिए गुलाब जब भी लीजिए ना एक तो आप अपनी देसी गुलाब लीजिए दूसरी है ना वो कि मतलब गुलाब के कलर अच्छे होने चाहिए अच्छे वाले कलर होने चाहिए ये नहीं कि लाइट कलर या आपने सफ़ेदी वाले कलर ले लिए पिंक में लाइट पिंक तो वो उतने अच्छे कलर नहीं आएंगे अगर अच्छे अच्छे लाल गुलाब हो ना रेड गुलाब तो बहुत अच्छा कलर निकलता है उसका तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से करना है बॉयल अभी बॉयल हो चुकी है मतलब दो तीन से चार मिनट अगर पानी जैसे ही गर्म हो जाए ना दो तो दो से तीन मिनट बहुत हो गया अभी गैस को ऑफ़ करके अब सारे पानी को हमें यहाँ पे निकाल लेना है छान लेना है तो मैं वही छान रही हूँ और इस तरीके से बनाकर अगर एक बार में आप एक दो बॉटल रख देना फ्रिज में तो बहुत ही आसानी हो जाती है और जो हम मार्केट से लेते हैं ना उसमें क्या होता है ना कि चीनी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो नीचे बॉटल में जम जाती है ऊपर में उसकी लिक्विड रहती है जो कि बच्चे पी जाते हैं उसे और वो नीचे वाला बिल्कुल बेकार हो जाता है फेंकना पड़ता है क्योंकि बच्चे सेक नहीं करते उसे तो यहाँ पर मैंने उस पानी को डाला उसमें मैंने दो बाउल मैंने डाले हैं चीनी तो यहाँ पर जो है ना मैंने वन एंड हाफ ग्लास पानी लिया था तो मैंने दो बाउल मैंने चीनी डाली है और ये जो पानी है ना वन एंड हाफ़ ग्लास है उसको हमें हाफ ग्लास तक लाना है इसके पानी को तो ये जो है यहाँ पर इसे मतलब पानी धीरे धीरे जैसे जैसे कम होगी ना वैसे वैसे गाढ़ी भी होगी और एकदम से गाढ़ी नहीं होती है हो। उस टाइम पर जब ठंडी होती है तब बहुत अच्छी गाढ़ी होती है और यहाँ पर मैं जब तक वो बॉयल हो रही थी तो समृद्धि आ गई थी तो मैंने उसे दे दिया कि तुम चला लो और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तब तक मैं दूसरे वाली रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ और वो है गुलकंद तो अभी हम दूसरी वाली रेसिपी गुलकंद की भी तैयारी कर लेते हैं तो गुलकंद ऐसे ना धूप में बनाया जाता है इसको नेचुरल तरीके से लेकिन मैं बहुत ही झटपट बन बनने वाली मतलब बताऊँगी और इसको आप फ्रिज में रख के स्टोर करके रख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको धूप दिखाना है धूप आप पाँच से छः घंटे का भी दिखा लिए ना तो काफ़ी है तो मैं वही करने वाली हूँ मतलब पाँच से छः घंटे की धूप चुकी अभी की धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो वही करूँगी तो यहाँ मैं सूखे गुलाब नहीं लूँगी मैंने फ्रेश गुलाब लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके अब इसको क्या करिए कॉटन के कपड़े पे डाल के इसके पानी को पहले निकलने दूंगी और निकल इसको ऐसे ही मुझे ले जा करके आपको रख देना है धूप में और थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहें तो रख दीजिए मैं यहाँ कपड़े पे डालकर और ऐसे जगह पे मैंने रखा है जहाँ पे धूप आ रही है तो इसे मैं अच्छे से यहाँ पर थोड़ी सी जैसे ही ड्राई हो जाएगी न पत्ती तो फिर आपको क्या करना है ना कि इन सारे को ले लेना है आपको एक बाउल में और बाउल में लेने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ और उसके बाद आपको धूप दिखाना है पाँच से छः घंटे की तो मैं भी वही करने वाली हूँ और यहाँ पर ये यह कर लिया है इसमें मैं डाल दूँगी चीनी तो लोगों के बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं मेरी मम्मी जैसे बनाती थी ना गुलकंद वैसे मैं बना रही हूँ और बहुत अच्छी बनती थी हम लोग तो बहुत खाते थे मतलब बनने के बाद वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं था खा के ख़त्म हो जाता था मतलब हम सभी भाई बहन खा के ख़त्म खासकर हम छोटे छोटे भाई बहन जो भी हम छोटे वाले थे ना मैं मेरा भाई छोटा भाई तो हम लोग तो खैर बचने नहीं नहीं देते थे तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया ये दो बाउल मैंने चीनी यहाँ पर भी डाल दी है और इसको आपको अच्छे से कर देना है मिक्स और मिक्स करने के बाद इसको ढक देना है कुछ भी अभी आपको नहीं करना है बस अच्छे से चीनी के साथ में जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका ढक करके और इसको रख देना है आपको धूप में और अभी तो धूप इतनी जलाने वाली धूप हो रही है ना कि स्किन जल जाए सूख जाए तो इसमें आप अगर ले आ करके रख दीजिए ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे खूब अच्छे से इसको धूप लगे तो ये एकदम से गल के छोट कम हो जाती है तो अपने आप पानी पंगुड़िया पानी छोड़ती हाँ हा, है बना रही हो अच्छा और यहाँ पर ये देखिए इसको फिर क्या कर रहा है लगा तुम कितने आरूल मैंने की आरूल को झूठ नहीं है देखिए स्टूल लगा के आरूल खड़ा है ဒ <laughs> ီဒီညာညာရဲကီအရုဘဝ ਆ ਰਹੇਗਾ တတ်တ <laughs> तो यहाँ पे मैंने सैमू को कहा था तो वो बेचारी अच्छे से बीच बीच में चला रही थी तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी अब कम हो गया ना मतलब वो कम हो गई अब यहाँ पर हम सेट्रिक एसिड डालेंगे तो ये ना नींबू छाती से कहा जाता है ये आप थोड़ा सा डालिए ज़्यादा मत डालिएगा इतनी खट्टी हो जाएगी ना कि मतलब चीनी के साथ में इसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा तो एकदम से हल्की सी डालनी है आपको थोड़ी सी डाल दीजिए नहीं है तो फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आप एक नींबू का रस यहाँ पर डाल दीजिए काफ़ी है इनफ है और इसको भी हम गैस को ऑफ़ कर देंगे ऑफ और उसके बाद उसको ठंडा करके आप बॉटल में भर लीजिए और किसी भी जार में और इसको ढक के मतलब कैप इसकी बंद करके आप इसको फ्रिज में डाल दीजिए और आराम से आप छः महीने तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होती है कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है इसको कि हाँ इसको इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव डालनी है जिससे कि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहे ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत आराम से ये रह जाती है तो चलिए फ्रेंड बन गई है रूह अफज़ा बच्चों ने खूब इन्जॉय किया मैंने भी किया और रूह अफज़ा बन गई है तो बस पी करके उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी रेस्ट ली है और तब तक, तक ये जो हमारी गुलकंद रानी है ना ये इसको अच्छे से धूप लग गई है बहुत अच्छे से और ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से गल गई है तो बस हमें इतना ही करना था बहुत लोग इसे धूप में ही दो से तीन दिन तक इसे अच्छे से मतलब ये पकने देते हैं और बस गुलकंद उनकी रेडी हो जाती है तो धूप में भी पका करके बिना गैस के भी आप बना सकते हैं वो भी रेसिपी मैं कभी आपके साथ शेयर लेकिन अभी मैं जो बना रही हूँ सुबह में प्रोसेस कर दीजिए और शाम में इसे बना करके रेडी करिए जैसे मेरी मम्मी बनाया करती थी क्योंकि हम बच्चों से बर्दाश्त होता नहीं था तो मम्मी बहुत जल्दी बना देती थी तो यहाँ पर अभी अब हमें इसे पकाना है तो मैंने ले लिया एक फ़्राई पैन और इसमें कोई भी ऑयल घी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप इसको डालना है और डाल करके अब आपको इसको पकाना है अच्छा और फ्रेंड एक चीज़ के लिए मैं आपको शॉरी बोलूँगी क्योंकि क्या हुआ शायद से वो क्लिप मिस हो गई थी मैंने जब रू अफज़ा बनाया था ना तो लास्ट में जब गैस ऑफ करने के बाद जब ठंडी हो जाती है ना तो वहाँ पर मैंने एक चम्मच मतलब पानी में मैंने पाँच से छः ड्रॉप मैंने गुलाब जल के जो इस गुलाब की एसेंस आती है ना वो एसेंस मैंने डाली थी और डाल करके मिक्स करके डाल दिया था तो और वही काम मैं यहाँ पर भी करने वाली हूँ गुलकंद जब रेडी हो जाएगी तो उसमें भी डालूंगी क्योंकि गुलाब को पकाने के बाद उसके जो मतलब जो स्मेल अच्छी वाली होती है ना बहुत कम हो जाती है और आपको ज़्यादा अच्छी स्मेल चाहिए ना तो आप इसमें क्या कीजिएगा ना कि थोड़ा सा गुलाब एसेंस रोज एसेंस मार्केट में इजली मिल जाती है तो उसको ज़्यादा नहीं डालना है उसको दो से तीन ड्रॉप ले करके एक चम्मच पे उसमें पानी डाल दीजिए उसको मिक्स करके तब आप उसको ऐड कर दीजिए डायरेक्टली डालेंगे ना बहुत हार्ड होती है आपकी कोई भी रेसिपी को एकदम से बिगाड़ सकती है अगर आप उसके अगर सही तरीके से डालेंगे तो रेसिपी की टेस्ट बढ़ाएगी और नहीं तो एकदम से बर्बाद कर देती है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दो से तीन ड्रॉप पानी में एक चम्मच पानी में डाल करके और उसको मिक्स करके डालिएगा तो मैंने वो चीज़ मैंने इसमें रूह अफज़ा में भी डाला था वही है ये देखिए और वाइट मतलब ये मिल जाती है वाइट रोज़ की मिलती है मतलब और यहाँ पे मैंने उसे डाल दिया है वाइट रोज़ की नहीं होती है मीन्स होती है रोज़ की तो इसको रोज वा रोज वाटर इसी से इससे आप बना करके भी रख सकते हैं एसेंस होती है काफ़ी मोटी इसकी है, ये ऑयल की टाइप से होती है ये तो इसको आप चाहें तो इससे रोज वाटर भी बना करके आप पानी में डाल करके आप मिक्स करके भी रख सकते हैं तो इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक चम्मच में मैंने दो से तीन ड्रॉप डाल करके और ये हो चुकी है इसको अच्छे से हमने बून लिया और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप गुलकंद को गैस पर अब जब आप पकाएँगे ना उस टाइम पर गैस एक मिनट के लिए आप इधर से उधर नहीं जाएँगे क्योंकि ये दो से तीन मिनट में पककर रेडी हो जाती है तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे रख करके के पकाना है और ये देखिए पक कर के हमारी गुलकंद भी हो गई है रेडी बहुत अच्छी बनी है तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है कि बच्चों को अच्छी लगेगी मैं फिर से बनाऊंगी मुझे तो खैर बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था यहाँ पे हमारी गुलकंद भी बनकर रेडी हो गई तो आज मैंने दो रेसिपी बनाई है और आज बहुत अच्छा खासा समय मेरा इस दोनों रेसिपी में चला गया लेकिन बहुत खुशी मिली है कि एक तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत याद किया इसको बना करके और रू अफज़ा बना दिया आरूल बहुत पैसे बर्बाद करवाता है मार्केट में ये मम्मी ने गुलकंद बनाई ये है ये क्या क्या कर रहे हो? ये नहीं पता बना फ्रेंड इसने तो मेरी इज्जत ही पलित कर दी है <laughs> बोलता है कि क्या पता नहीं क्या बना दिए उसको गुलकंद बोलना नहीं आया था खैर मैं गुलकंद से आपको एक रेसिपी बता रही हूँ यहाँ पे मैंने एक कप मैंने यहाँ पे दही डाली है एक कप मैंने दूध डाली है ठंडी फ्रिज की एक कप मैंने यहाँ पे आइसक्रीम डाला है थोड़ी से आइस क्यूब डाले हैं और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुलकंद तो इस तरीके से ना आप बहुत अच्छे से लस्सी बना सकते हैं जो लस्सी बनती है ना उसमें भी गुलकंद डाल के बहुत टेस्टी लगती है तो पहले तो लोग पान में खाते थे डाल कर के इसलिए घर घर में गुलकंद बना करता था जब मम्मी लोग दादी के ज़माने में लेकिन बाद में इसे रेसिपी में बनाना शुरू किया गया क्योंकि मेरी मम्मी भी बनाया करती थी मिल्क के साथ ठंडी दूध के साथ मिक्स करके और मैंने बनाई लस्सी तो इस तरह से ये बना सकते हैं आप इसको आइसक्रीम के साथ डाल सकते हैं पान के साथ तो खा ही सकते हैं मीठे पान के साथ तो लीजिए हमारी तो लस्सी बनकर के हो गई है रेडी मैं जा रही हूँ सबको देने के लिए और खुद भी तो पी, तो फ्रेंड अब तो हो गई हमारी रेसिपी रेडी और मैं अब आ गई हूँ रात में रात का मतलब डिनर रेडी करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गई रात हो रही है तो मैं डिनर रेडी कर रही हूँ लेकिन फ्रेंड मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के, के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए